आज मैं आपके लिए व्हाट्सएप का एक बढ़िया ट्रिक लेकर आया हूँ कि आप व्हाट्सएप में आपका खुद का स्टिकर कैसे बना सकते हैं और वो दूसरों को भेज सकते हैं। आपको बहुत सारे लोगों ने स्टिकर भेजा रहेगा, बट आपको ये पता नहीं रहेगा कि वो स्टिकर कैसे बनाते। आज का इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि आपका खुद का फोटो के साथ आप स्टिकर कैसे बना सकते हैं। मैं हूँ अविनाश और आप देख रहे हैं एसपीटेक। व्हाट्सएप स्टिकर बनाने के लिए आपको जो आप डिस्प्ले पर देख सकते हैं, इन चार एप्लीकेशन का यूज़ है। तो इसमें से फर्स्ट जो है व्हाट्सएप, वो तो आप सभी के पास होगा। सेकंड जो है वो बैकग्राउंड इरेजर है, और थर्ड जो है वो पिक्स आर्ट है, और फोर्थ जो ऐप है वो पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप है। इन चारों एप्लीकेशन का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कीजिए और वहाँ से आप ये चारों एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले आपको बैकग्राउंड इरेजर में जाना होगा, इसके बाद यहाँ लोड फोटो पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको जो भी आप फोटो लेना चाहते हैं वो आपको फोटो लेना है। मैं ये फोटो लेता हूँ, इसे मैं क्रॉप कर लेता हूँ और इसे यहाँ डन पर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद हमें यहाँ ऐटो पर जाना है, हम सिंपली यहाँ पर 50% कर देंगे और इस कलर पे जाकर ये एरो छोड़ देंगे तो ये कलर रिमूव हो जाएगा। अगर यहाँ से ऑटोमेटिक नहीं होता तो आप मैनुअल पर जाकर ब्रश ले सकते हैं और उस ब्रश से आप रिमूव कर सकते हैं। अगर आपको इमेज को जूम करना है तो आपको दो फिंगर से इमेज को जूम करना होगा, और यहाँ से आप जैसा चाहिए वैसा कलर रिमूव कर सकते हैं आपके हिसाब से। अभी हमारा बैकग्राउंड का कलर रिमूव हो चुका है तो हम यहाँ डन पर क्लिक करेंगे और इसे सेव कर देंगे। फिनिश पर क्लिक करेंगे और अपना जो पिक्स आर्ट है उसे ओपन करेंगे। उसके बाद हम इसे में परमिशन अलाउ कर देता हूँ, और यहाँ पर हमें पिक कैनवास पर क्लिक करना है, और जो हमारा 1024x1024 का जो है उसे सेलेक्ट करना है और यहाँ नेक्स्ट बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद हमें यहाँ पर इमेज ऐड करनी है जो हमने बैकग्राउंड इरेज किया था, तो मैं यहाँ पर इमेज ऐड कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हमारा इमेज ऐड हो चुका है। तो हमें यहाँ एरो बटन पर क्लिक करना है और यहाँ नीचे एडिट इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ नीचे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे, तो उसमें से एक टेक्स्ट वाला ऑप्शन आपको चूज़ करना है और जो भी आप लिखना चाहते हैं टेक्स्ट वो यहाँ लिखना है। तो मैं सिंपली हेलो लिख देता हूँ और ओके कर देता हूँ। अभी हमारा टेक्स्ट शो नहीं हो रहा क्योंकि हमारा टेक्स्ट का और बैकग्राउंड का कलर सेम है, तो हम टेक्स्ट का कलर चेंज करते हैं और उसका जो स्ट्रोक है वो बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ा सा। बाकी सब फॉन्ट की वगैरह सेटिंग जो है आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमारा लगभग रेडी है स्टिकर, तो हमें इसे ओके के बटन पर क्लिक करना है और यहाँ पर हमें सेव कर देना है। मैं गैलरी में सेव कर देता हूँ और यहाँ पर डन कर देता हूँ। उसके बाद हमें फिर से बैकग्राउंड इरेजर में जाना है और यहाँ पर लोड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद हमारा रिसेंट जो फोटो है वो यहाँ पर दिखाई देगा, इसे हमें डन करना है और ऐटो पर जाना है और जो व्हाइट कलर है वो रिमूव कर देना है बैकग्राउंड का, और हम चाहे तो बीच में का एक कलर भी रिमूव कर देते हैं। वह हमारा स्टिकर लगभग रेडी है, हमें इसे डन पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम उसकी स्मूथनेस है वो यहाँ पर हम सेट करेंगे। 3 पर टिक लग रहा है तो ओके कर देता हूँ मैं, और यहाँ फिनिश पर क्लिक कर देता हूँ। और उसके बाद हमें जाना है
पर्सनल स्टिकर फॉर व्हाट्सएप में, और अभी यहाँ पर देख सकते हैं 5 स्टिकर ऑलरेडी एडेड है हमारे। तो अगर आपके ऐड नहीं है तो आपको यहाँ इस तरह से ऐड बटन आएगा, तो आपको ऐड करना है सिंपली। मैं यहाँ पर मैंने कुछ लोगो बनाए, उसे ऐड करता हूँ, आपको दिखाता हूँ। देख सकते हैं हमारे ऐड हो चुके। उसके बाद हमें व्हाट्सएप में जाना है, इमोजी वाले आइकॉन पर क्लिक करना है, और यहाँ हमारा फोल्डर आ जाएगा। ये देख सकते हैं आप, हमारा स्टिकर आ चुका है, मैंने पहले बनाया था, ये भी स्टिकर आ चुका है। अभी आपने देखा काफ़ी सिंपल तरीके से आपका स्टिकर बन जाता है, आपका खुद का फोटो लेकर आप स्टिकर बना सकते हैं। इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।